आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले आरबीएल बैंक लिमिटेड से स्टॉक में देखें तो आज के दिन 3.25 रुपए की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 1% के करीबन का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉक लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 9% की तेजी देखने को मिली है, तो वहीं एक महीने में 20%, 3 महीने में 12.5%, 6 महीने में 56% और 1 साल के अंदर 58% के करीबन की तेजी देखने को मिली है। लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक ने टॉप लगाया 291 रुपीज, 291 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में टॉप लगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा जहां पर नीचे का स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल बना 262 रुपीज, 262 रुपीज का स्टॉक में नीचे का एक सपोर्ट लेवल लिया और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 292 रुपीज, 292 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज देखने को मिल रही है। जैसे स्टॉक एक बार 292 रुपीज के ऊपर बंद होता है तो स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट देगा जो कि लॉन्ग टर्म में ऊपर के टारगेट अराउंड 350 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 265 रुपीज से ऊपर रहता है तो स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।